शर्ट तनवीर आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि अचानक दौरा आ गया पर हमें देखने को मिला और इसके साथ साथ आप भी हम सारी खाने की कोशिश करेंगे। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अच्छा पता मुश्ताक सुबह नहीं, आबिद साहब के साथ हम आए थे यहाँ तो नज़ीर साहब के पास, तो मेरे तो भाई हैं, इनके तो अजीज़ हैं, तो हम आए थे यहाँ। तो आप मान लिया पर्सनल विज़िट भी, पॉलिटिकल विज़िट भी, तो हम भाइयों ने आपस में बात कर ली। बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत पुराना, आबिद साहब के साथ भी और मेरे साथ भी। खैर, आबिद साहब का तो बहुत बहुत ही पुराना है, तो मेरे साथ भी 20-25 साल का पुराना है। इनके साथ याराना बोलिए, तो आए बैठे और बड़े, मैं कहता हूँ, सेटिस्फाइड हम वापस जा रहे हैं। तो क्या बात हुई है, वो कैसे बताएं, फिर आपको अंदर रख लेते हैं। सियासत में बात करें, शुमाली कश्मीर में अल्ताफ़ साहब मेरे भाई समान हैं, मेरा हक बनता है उन पर पर्सनली भी और पॉलिटिकली। उन्होंने एक बहुत बड़ा वाइज डिसीजन लिया, उनके लीडर्स ने लिया, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इतना ही बोलूँगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्ताफ़। मुझे समझ नहीं आई, मतलब ये क्या होता है सख्त मुकाबला? ऐसा कौन सा लीडर है जो बोलता है कि मुझे हिमायत नहीं चाहिए? एक का नाम बताइए पूरे हिंदुस्तान में। ये जो उमर अब्दुल्ला साहब एक नए स्टैंडर्ड्स डाल रहे हैं कि अब वोट मांगना भी गुनाह है, एक लीडर बताइए पूरे चले हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में, जो बोलता है कि भाई मुझे हिमायत नहीं चाहिए किसी की। सब चाहते हैं कि हिमायत हो, हर एक की हिमायत हो। बहुत इसका हमने दे दिया ना जवाब, अब बोल ना लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो आपको काहे को इंटरेस्ट है? किस तरीके से देखते हैं उनका? ताकतवर है तो मुंह बंद रखे और लड़े, उसमें क्या है? रोने रोता क्यों है? क्राई बेबी क्यों बनता है? इसमें तो रोने की बात है नहीं कोई। ताकतवर है, मुंह बंद करे और लड़े, ये तो बहाने बाज है। कोई बात नहीं है। अब दो किस्म के टूरिस्ट हैं, एक जो आके इकोनॉमी को हेल्प करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, ये दूसरा होता है जो टूरिस्ट उधर से ही कुछ लेता है, ये वो दूसरा वाला टूरिस्ट है। ये भी क्या हो गया श्रीनगर का आप बोल रहे हैं? अगर पहले बोलता तो सोच लेते हैं। क्या ये अखज़ नहीं होता है कि आवामी मफाद के बारे में? आप मुझे एक चीज बताएं, अगर हम इलेक्शन कहीं नहीं लड़ते हैं तो क्या हमें हक नहीं बनता है वहाँ के लोगों को अगर कोई मुश्किलात हो? इमरान साहब के पास काफी लोग वहाँ से आए, उसके बाद उन्होंने बाकी जो वहाँ पार्टीज लड़ रही हैं उनको बोला कि भाई ऐसे हो रहा है, क्या ये सच है? तो उन्होंने बोला हाँ, अगर आप करें तो अच्छी बात है, हमारा हक बनता है। थोड़ी कोई चोरी चोरी की है, चिट्ठी लिखी है, दिन दहाड़े लिखी है, उसमें भी उसे पूछ कर करें। मैं पहले भी कल भी बोला, अब उमर साहब को मुझे लगता है ये जो ये बातें कर रहे हैं मुँह में, थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा दिमागी जो है ना, थोड़े बहुत तेज़ हो गए हैं वो ज़रा।